में यहाँ पर सेल है, तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ, तो सेल्स इन करोड़्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स है, जब जैसे जैसे हम यहाँ पर एडिट करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता जाता है, हमारे पास में एडिट होता जाता है। यहाँ पर हमारे पास में, हम जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास में कलर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं कि कौन से मंथ्स का कौन सा कलर है यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ से हम और ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर यहाँ से हम एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट मंथ के अंदर अगर इसकी सेल्स घटा देता हूँ, 1.1 कर देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर भी सेल्स घट जाएगी ऑटोमेटिक ही, चेंजेस हो जाएंगे। फोर मंथ के अगर मैं अगर सेल्स बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, तो वो सेल्स फोर मंथ के ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हमें और ऐड करना होती है तो चार्ट ऐड कर सकते हैं, डेटा टेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो हम यहाँ पर इनसाइड फिटिंग दे सकते हैं डेटा के अंदर। हम यहाँ से कलर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए चार्ट का कलर। ये ठीक है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। हम इसके बाद में एक दूसरा चार्ट लेकर के देखते हैं। इसके बाद में हम ले लेते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ भी अलग अलग लाइंस दिखाई हुई है कि हमें किस लाइंस के अंदर यहाँ पर चाहिए, तो वो लाइंस भी हम क्या देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में लाइन चार्ट आ चुका है। यहाँ पर ऊपर एक्सेल शीट है हमारे पास में, यहाँ पर कैटेगरीज दिखाई हुई। इस चार्ट में भी क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 जो कि यहाँ पर नीचे दी हुई है, यहाँ पर इनके कलर कॉम्बिनेशन दिखाए हुए हैं, और यहाँ पर कितनी कैटेगरीज के हिसाब से हमारे पास में सीरीज है वो दे रखा है यहाँ पर। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। यहाँ के अंदर हमें डेटा के अंदर कुछ एडिट करना है तो हम डायरेक्ट एक्सेल शीट में जा करके एडिट कर सकते हैं चार्ट। और इसके बाद में आ जाते हैं हम स्क्रीनशॉट पर। अगर हमें स्क्रीनशॉट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जिस भी जगह की हमें स्क्रीनशॉट चाहिए वहाँ पर हम जा करके, बस हमें जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास में वहाँ पर स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, जब हमें जब किसी भी टेक्स्ट को अगर लिंक में कन्वर्ट करना है और डॉक्यूमेंट में जब भी उस टेक्स्ट पर क्लिक किया जाए तो वो डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू उस वेबसाइट या फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाए, तो इसलिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट पर क्या कर देता हूँ, हाइपरलिंक दे देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को क्या, या तो एड्रेस डालना होगा या फिर जो फाइल है उसका यहाँ पर एड्रेस मुझे डालना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अभी डायरेक्ट एड्रेस डाल देता हूँ। हाइपरलिंक के बाद में आ जाता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के अंदर क्या है, हम यहाँ पर पेज के ऊपर जो पेज नंबर या फिर बुक का नेम या फिर जो देखते हैं वो होता है हेडर। तो यहाँ पर हम हेडर दे देते हैं। यहाँ पर कई टाइप्स के हेडर हैं तो हम यहाँ पर हेडर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम हेडर लेंगे हमारे पास में यहाँ पर हेडर आ गया है। इसके बाद में ये तो होता है हेडर, इसके नीचे की तरफ जो होता है पेज में वो होता है फुटर। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फुटर है वो भी हम देख सकते हैं कि हमें कैसा फुटर चाहिए। तो हम यहाँ पर ऑथर का नेम या फिर पेज नंबर के हिसाब से यहाँ पर फुटर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हो गया हेडर, नीचे की तरफ ये हो गया फुटर। तो यहाँ पर इसके बाद में आ जाता है पेज नंबर। हम पेज नंबर दे सकते हैं टॉप में, दे सकते हैं प्लेन मिड में, दे सकते हैं या फिर राइट में दे सकते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर उन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्ड आर्ट पर। वर्ड आर्ट वैसा ही है जैसे हमारे पास में जो होम पर था, टेक्स्ट टाइपोग्राफी या फिर टेक्स्ट टाइपोग्राफी या फिर टेक्स्ट इफेक्ट। तो वर्ड आर्ट भी वैसा ही है हमारे पास में। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर किसी भी उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इफेक्ट उसमें क्रिएट हो जाएगा वर्ड के अंदर और हमारे पास में न्यू वर्ड प्रोवाइड होगा। यहाँ से हम इनके अलाइनमेंट वगैरह और इसकी आर्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में लाइन सिग्नेचर लाइन। कई डॉक्यूमेंट्स में हमें सिग्नेचर लाइन देनी होती है या फिर कोई फॉर्म तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिग्नेचर लाइन देते हैं। तो यहाँ से हम सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, हम इसे सिग्नेचर लाइन दे सकते हैं या फिर अगर हमें मिड में देनी है तो हम इसे मिड में दे सकते हैं सिग्नेचर लाइन। इसके बाद में हम डेट एंड टाइम दे सकते हैं। डेट एंड टाइम कहीं पर भी हम करंट डेट एंड टाइम लगा सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर क्या है, हमारे पास में यहाँ पर कितनी इक्वेशन बनी हुई होती है ऑलरेडी। अगर हमें मोर और इक्वेशन चाहिए तो हम यहाँ से office.com की साइट पर से ले सकते हैं। इसके बाद में भी अगर हमें इक्वेशन नहीं मिलती है तो हम इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर जा कर के इक्वेशन को बना सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिल जाती है, और वैसी ही इक्वेशन मिल जाती है बनी बनाई। यहाँ पर हमें जो सिंबल्स चाहिए वो हम सिंबल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हमें चाहिए। इसके बाद में हमें यहाँ पर फंक्शंस मिल जाते हैं, अपर एंड लोअर वाले फंक्शंस, डिवाइड वाले फंक्शंस, यहाँ पर डेल्टा वगैरह। ये हमारे पास में यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया हुआ है, या फिर हम इन्हें भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर स्क्रिप्ट दी हुई है एक्स स्क्वायर या फिर एक्स की पावर एक्स, ऐसे हम यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी जो है ये दिए हुए हैं कि ऐसे हम इनको तैयार कर सकते हैं या फिर इनको भी यूज़ में ले सकते हैं। रेडिकल, इसके अंदर जो रूट होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी दे रखा है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इन रूट्स की हेल्प से हम न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इक्वेशन के बाद में आ जाता है हमारे पास में सिंबल। इक्वेशन के बाद में आ जाता है हमारे पास में सिंबल। सिंबल में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास में म्यू डेल्टा बीटा, यहाँ पर सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। और भी हम यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और उनका फॉन्ट भी डिसाइड कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, सिंबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंबल्स की शॉर्टकट की चाहिए तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है वहाँ पर हमारे पास में जो है सिंबल की शॉर्टकट की है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं शॉर्टकट की के लिए सिंबल्स की। यहाँ पर और भी सारे हैं जो यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड हुए हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, बीटा एल्फा म्यू इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ये सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर आपको कोई सिंबल्स इंसर्ट करना है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करिए। जैसे मैं बीटा को कर लेता हूँ, फिर इंसर्ट करते ही वो क्या होगा, सिंबल्स यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होगा, हमारे पास में यहाँ पर अलग अलग थीम्स हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी ये वर्ड ले रखे हैं, तो जैसे हम थीम पर जाते हैं तो हमारी थीम क्या होती है, चेंज होती है। तो ऐसे ही हम अलग अलग थीम्स का यूज़ कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर।